का ऑब्जेक्ट तो मालूम हो ही गया होगा कि आज हम आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी मैं, जो एक फार्मर की स्टोरी है। आप जानते हैं फार्मर जो है वो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। लुक एट द मैन, ही इज अ फार्मर, ठीक है, और ये खेतों में काम करके जो है वो पैसा हासिल करते हैं, ठीक है। आप लोग रोजाना मील में क्या लेते हैं बताएंगे? चिकन और बीफ लेते हैं हम। चिकन, बीफ, मटन तो लेते ही है, उसके अलावा हम अपनी मील में और क्या लेते हैं? वेजिटेबल्स। गुड, तो वेजिटेबल कहाँ से आती है? ठीक है, तो हम जब मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसी तरह हम ट्रेजर हासिल करते हैं, हमें खजाना हासिल होता है, ठीक है ना। तरक्कियाँ मिलती हैं, वो किस वजह से मिलती है? क्योंकि हम हार्ड वर्कर हैं। ओके, चले, अब आपको मैं एक बात कहूँ कि आप जब अपनी स्टोरीज में सुनते हैं, आपने देखे फार्मर जो था उसके फाइव सन्स थे और बहुत ज़्यादा फार्मर जो था वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, उसने उनको इस काबिल बनाया कि वो मेहनत कर सके, लेकिन वो बहुत अफसोस के साथ ये बात कहता था कि मेरे बच्चे जो है वो बहुत लेजी और सेल्फिश थे। तो उसने कहा कि भाई अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप जो है मेरी जगह फील्ड में काम करें। लेकिन उसके बच्चों ने इनकार कर दिया, सन्स उसके बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं थे। तो फिर उसने बच्चों से कहा कि आपको खजाना चाहिए, आप ट्रेसर चाहिए, आप जो है अचीवमेंट चाहते हैं लाइफ में, तो आप मेरे साथ चलें, ये जो ज़मीन है इसमें खजाना है। वो बच्चे परेशान हो गए कि ये ज़मीन में कैसे खजाना है। तो उसने ज़मीन में से उसको ग्रो किया, उसने बीज डाले, सीड्स डाली, और कुछ दिनों बाद वो जब वो उस पर फल निकले, सब्जियां निकली, तो उसने जाके बाजार में फरोख्त किया और उन्हें बहुत सारे पैसे मिले। तो उन्हें क्या हासिल हुआ? उन्हें ड्रेसर हासिल हुआ। तो जैसा कि आपके इस लेक्चर में देखे, ये फार्मर है, ये इसके 5 साल है, ठीक है, और ये देखे कितना हार्ड वर्कर है, ठीक है। वो अपने बच्चों से कह रहा है कि देखो मैंने भी मेहनत करके ट्रेजर हासिल किया है, तो लिहाजा आप भी मेहनत करें। तो आप इस कहानी का मोरल क्या था? जी पढ़े, thank you.